चलें जी, अजान स्टार्ट हो गई। बैठ के अजान सुनते हैं। ये देखें सारे परिंदे, चरिंद परिंद सब फजर का टाइम होते ही सब अपने अपने घोंसलों से बाहर आ जाते हैं। अल्लाह पाक का भी क्या निज़ाम है। परिंदों को भी इतनी अकल होती है कि रात होते ही वो अपने घोंसलों में चले जाते। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। हमारी सुबह हो चुकी है, अभी टाइम हो रहा है 6:40 और हमने फजर की नमाज़ भी पढ़ ली। कुरान पाक पढ़ते हैं। कुरान पाक पढ़ने के बाद फिर आराम करेंगे थोड़ी देर, क्योंकि बच्चों के तो स्कूल की छुट्टियां हैं, बच्चों को तो स्कूल जाना नहीं है। और फिर जब बच्चे उठेंगे तो फिर नाश्ता बनाएंगे, फिर आज जो भी होगी रूटीन वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। चीज़ होके उठ चुके हैं, ये देखिए यहाँ बन रही है हमारी चाय और ये बच्चों के लिए एग बॉईल हो रहे हैं। अभी हम नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। सफ़ा ने कहा मुझे ऑमलेट खाना है, बॉयल एग नहीं खाना, तो इसलिए मैं ऑमलेट बना रही हूँ। खाना हमारा रेडी हो चुका है, चाय भी हमारी बन गई। मरहबा, आपने दस्तरखान बिछाया है।
आप दस्तखान बिछाओ। दस्तखान बिछाओ, ये नाश्ता आ गया है। चलो जी, नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है। चलें जी, हम नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। नाश्ता करने के बाद अभी मरहबा के मदरसे का टाइम हो गया है और अभी इसको सबक याद करवाते हैं। फिर सबक याद करवाने के बाद फिर जो भी होगा वो हम फिर हम आपसे शेयर करेंगे। चलिए जी, अब हम बनाते हैं बेबी के लिए खाना। और आज क्या मैं बना रही हूँ बेबी के लिए, मैं बना रही हूँ गंदम का दलिया और मूंग की दाल में नमकीन दलिया। ये बनाऊंगी, बहुत अच्छा बनता है बच्चों के लिए, हेल्दी गज़ा है ये। एक साल से लेकर 1.5 साल तक के बच्चों के लिए, क्योंकि गंदम थोड़ी भारी गज़ा होती है। हर माँ की परेशानी होती है कि बच्चे कुछ खाते नहीं हैं, तो घर का फूड देने के लिए बच्चों को इस तरह की चीज़ें बना बना कर अलग अलग रोज़ाना चेंज करके दी जाएँ तो बच्चे शौक से खाते हैं। आप चाहें तो इसमें सब्ज़ियाँ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सब्ज़ी ऐड नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है इसको सादा दलिया बना कर दूँगी, नमकीन दलिया जो होता है मसाले वाला। अभी इसमें मैं क्या क्या ऐड करती हूँ देखते हैं। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, धोने के बाद अब मैं इसमें पानी डालूँगी। ये देखें जी, इसमें मैंने हाफ पानी डाल दिया है। इतना मैंने पानी डाला है कि इसमें दलिया और दाल जो है हमारी अच्छी तरीके से गल जाए। अब मैं इसमें डालूंगी नमक, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी मिर्ची, ताकि उससे जो है इसमें ज़ायका आ जाए। अगर आपके पास कनौर क्यूब्स हैं तो वो भी इसमें ऐड कर दें, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं इसमें नहीं डाल रही। ये देखें, अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, सिर्फ कलर चेंज करने के लिए मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा ज़ीरा थोड़ा सा ही इसमें नमक, सिर्फ दलिए का जायका चेंज करने के लिए, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अपनी पसंद होती है। कोई बच्चा मीठा ज़्यादा शौक से खाता है, कोई नमकीन ज़्यादा शौक से खाता है। तो मेरी जो बेटी है वो नमकीन शौक से ज़्यादा खाती है, तो इस वजह से मैं उसको ये नमकीन दलिया दे रही। मीठा भी मैं खिलाती हूँ, कभी सूजी बना दी, कभी आलू बना दिया, इस तरह के तरीके से। लेकिन आज जब मैं बना रही हूँ ये मैं दलिया बना रही हूँ, क्योंकि बेबी मेरी 1 साल से ऊपर की है तो उसके लिए जो है ये फूड देना उसके लिए ज़रूरी है। तो चलिए बनाते हैं। अब ये देखें, इसमें बॉयल आ गया है, तो अब इसको मैं इतना पकाऊंगी कि इसका ये दलिया और ये अच्छे तरीके से गल जाए। आप चाहें तो इसमें सब्ज़ियाँ भी डाल सकती हैं, गाजर डाल लें, मटर डाल लें, पालक डाल लें, सब कुछ डालेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। क्योंकि मेरी बेबी नहीं खाती, इस वजह से मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। अब मैं इसको ढक दूँगी और मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये पक जाएगा तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें जी, दलिया हमारा रेडी हो चुका है। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको बनने में। देखें, ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा ठीक है, नॉर्मल है बिल्कुल। इतना है कि बच्चा आसानी से इसको निगल सके। अभी हम इसको ठंडा करते हैं और फिर उसके बाद बेबी को खिलाते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं। ये देखें जी, इसको मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। अभी इसको मैं ठंडा करती हूँ और बेबी के लिए भी निकाल लेते हैं हम। बहुत मज़े का लगता है, बच्चों को बहुत पसंद ही है। मेरी बेबी की फरमाइश होती है कि उसको नमकीन दिया जाए, मीठा वो इतना शौक से नहीं खाती है, तो उसके लिए मैं ये नमकीन बनाती हूँ। दूध वाला भी बनता ही है, लेकिन दूध वाला मीठा होता है तो इसलिए मैं दूध वाला कम बनाती हूँ, ज़्यादा मैं यही वाला इसको बना कर देती हूँ। और बहुत शौक़ से खाती है और हेल्दी फूड है ये, बच्चों के लिए भी अच्छी ग़ज़ा है। बाजारी फूड में कोई भी यूज़ नहीं करती, तमाम मैंने फूड अवॉइड किए हुए हैं, ना सरेलेक वगैरह में, जो भी बनाती हूँ घर पर बनाती हूँ। सूजी हो गई, दलिया हो गया, या उसके अलावा खिचड़ी हो गई, ये चीज़ें मैं बच्चे उसको अपनी बेबी को देती हूँ,
इसके अलावा मैं बाहर की कोई चीज़ उसको नहीं देती। हाँ, बिस्किट वगैरह है जो इस्तेमाल करती हूँ मैं, बाकी इसके अलावा बाहर की मैं कोई चीज़ भी बेबी को नहीं देती। आपको भी पसंद आई होगी ये। चलें जी, अब हम खिलाते हैं बेबी को और बेबी की भी राय लेते हैं। यम 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 यम, बेबी को बहुत पसंद है ये भाई। ये टिश्यू पेपर रखो अपने हाथ में, आपका मुंह गंदा होगा, फिर आप मुंह साफ करना चाहिए। मुंह साफ करो जल्दी से, ये लो अपना मुंह साफ करो, मुंह साफ करो, आपका मुंह गंदा हो रहा है। हाँ ये लो पकड़ो, तो फिर आप साफ करना सही है बेबी। ये लो खाना खाते हैं, अभी हम खिलाते हैं बेबी को, बेबी खुद खाएगी। खाओ बेबी जल्दी जल्दी। यम्मी, गुड गर्ल बेबी, गुड गर्ल बेबी, मजे का है। ये देखें जी, यहाँ पर जो है पार्लर खुला हुआ है। ये कौन सा स्टाइल बना रही है? अच्छा लग रहा है मरहबा। बच्चों की छुट्टियां हैं, बस बच्चे आपस में लगे हुए होते हैं अपना। मरहबा आप भी बनाओगी क्या? क्यों आप नहीं बना रही? बाल छोटे हैं आपके और सफ़ा है इनकी पॉलर वाली। ये बाल छुपा। अच्छा लग रहा है मरहबा ये स्टाइल। खाना खा लिया आप लोगों ने? चलें जी, मैं यहीं पर ही व्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि अभी वैसे भी रात हो चुकी है, बच्चे अपने काम में मसरूफ़ हैं और मैं भी बेबी को लेकर अभी लेटती हूँ, जब तक बच्चे भी फारिग होके आ जाएंगे। चलें जी, ये देखें जी, सफ़ा ने मरहबा का स्टाइल बनाया है बालों का। दिखाओ मरहबा आगे से भी, हाथ नीचे करो, देखें प्यारा लग रहा है बहुत। सफ़ा आप तो ब्यूटीशियन मास्टर हो गई हो, अब तो आपको सारे स्टाइल बनाने आ गए सर के। मरहबा आपको पसंद आया है? अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।